हर वर्ष ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि के अगले दिन वट सावित्री व्रत रखा जाता है। इस दिन शनि जयंती और ज्येष्ठ अमावस्या भी मनाई जाती है। शास्त्रों में निहित है कि ज्येष्ठ अमावस्या तिथि पर न्याय के देवता शनिदेव का अवतरण हुआ है। इस वर्ष 6 जून को वट सावित्री व्रत है। इसी दिन शनि जयंती और ज्येष्ठ अमावस्या मनाई जाएगी। सनातन धर्म में वट सावित्री व्रत का विशेष महत्व है। इस दिन विवाहित महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए वट वृक्ष की पूजा अर्चना करती है। व्रती वट वृक्ष की पूजा करने तक उपवास रखती है। इस व्रत के पुण्य प्रताप से व्रती को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। साथ ही नवविवाहित महिलाओं को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। लेकिन क्या आपको पता है कि क्यों ज्येष्ठ माह में 2 बार वट सावित्री व्रत मनाया जाता है? आइए जानते हैं। धर्म पंडितों एवं विद्वानों के मध्य वट सावित्री व्रत की तिथि को लेकर मतभेद है। कई विद्वान ज्येष्ठ अमावस्या पर वट सावित्री व्रत रखने की सलाह देते हैं। इस तिथि पर उत्तर भारत, नेपाल और मिथिला के क्षेत्रों में वट सावित्री व्रत रखा जाता है। हालांकि पश्चिम और दक्षिण भारत में पूर्णिमा तिथि पर व्रत रखा जाता है। विद्वानों की माने तो भविष्य पुराण में पूर्णिमा तिथि पर वट सावित्री व्रत रखने का वर्णन है। इसके लिए गुजरात और महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में ज्येष्ठ पूर्णिमा पर वट सावित्री व्रत रखा जाता है। हालांकि व्रत पुण्य फल समान होता है, साथ ही दोनों ही व्रत पति की लंबी आयु और पुत्र प्राप्ति के लिए रखा जाता है।